हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस, आज जो है ब्लॉग नहीं शेयर कर रही हूँ, तो आज जो है ईटिंग चैलेंज कर रही हूँ खुशबू के साथ। तो बहुत दिन हो गया ईटिंग चैलेंज नहीं किया है, तो मैंने सोचा कि एक ईटिंग चैलेंज लाया जाए आप लोगों के साथ। तो आज का जो ईटिंग चैलेंज है बहुत ही मज़ेदार है, क्योंकि गर्मी बहुत है तो हमने सोचा है कुछ ठंडा खाया जाए। तो ठंडे में हमने लिया है आइसक्रीम। तो आइसक्रीम में है हमारे पास ये चोको बार, और खुशबू ये वाला बताओ। ये है वेनिला फ्लेवर का आइसक्रीम। तो गाइस, आज की ईटिंग चैलेंज में कुछ टाइमिंग हमने नहीं रखा है, तो हमने सोचा है कि आइसक्रीम ही है तो कौन जो है जल्दी फिनिश करेगा, तो जो जल्दी फिनिश करेगा वो हो जाएगा विनर, और जिसके प्लेट में रह जाएगा आइसक्रीम वो हार जाएगा और उसे मिलेगा पनिशमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। 1 2 3 स्टार्ट। एक चम्मच दूंगी क्या? कोई सारा चम्मच दे लो, सारा चम्मच दे लो। तो गाइस, पहले मैंने ये चोको बार सोचा है खाती हूँ। जल्दी करो मम्मी, तुम जीत दो। मम्मी, हम तुम काकी से पहले जीत गए थे ना, वैसे भी पहले जीत दो। अरे मामा को जिसके कटोरी में आइसक्रीम रह जाएगा उसे भी काउंट किया जाएगा, तो इसलिए अच्छे से फिनिश करना है। ये आइसक्रीम उठने जा, इसे क्यों छोड़ू गाइस, खाना है तो अच्छे से खाओ। इसकी कॉपी मैंने उल्टा पकड़ लिया। जल्दी खाओ, मैंने तुम्हारा चोको बार दो कर दे। मम्मी, तुम्हारा चोको बार दो कर दे। तो मुझे लग रहा है गाइस खुशबू जीत जाएगी और मैं हार जाऊंगी। मम्मी, ये भी दे दो, दो बुला के दो है ना। हां, अब चॉकलेट को फिनिश करो। जिसके मुंह में रहेगा वो काउंट किया जाएगा ना। पूरा भरा हुआ है मुंह में। हाँ गाइस, देखिए खुशबू के मुंह में अभी तक है और मेरे मुंह का जो है फिनिश हो गया है। हाँ ये देखो, बिल्कुल भी नहीं है। मैं बताती हूँ। हमने आइसक्रीम लिया ना, मेरा एक आइसक्रीम ये वाला आया, इसलिए मेरे को प्रॉब्लम हुआ खाने में, तो अब तक खा लेती मैं। दिखाओ गाइस, अभी एक आइसक्रीम मेरा ये ये तो चॉकोबार है, ये चॉकोबार नैनो है और ये चॉकोबार क्रंच है। इस वजह से हमको लेट हो गया, क्योंकि इसमें बादाम था और इसमें बादाम नहीं था, नहीं तो अभी तो मत आगे ही खाता हूँ। तो आप क्या बोले गाइस, क्योंकि खुशबू बोल रही है कि मैं जीत जाती अगर ये चोकोबार क्रंच नहीं होता, लेकिन तो पनिशमेंट तब भी मिलेगा क्योंकि हार ही गई हूँ मैं। हाँ, तो खुशबू हार गई है तो खुशबू को पनिशमेंट मिलेगा। तो गाइस, हम लोगों ने आइसक्रीम जो है खत्म कर लिया है और अभी आया है पनिशमेंट की बारी। तो खुशबू को मैंने पनिशमेंट में दिया है एक गाना, और गाना जो है खुशबू आप सबको गा के सुनाएगी, और मैं भी आज फर्स्ट टाइम आप लोगों के साथ ही सुनूंगी। तो खुशबू, एक बहुत ही प्यारा सा गाना सुनाओ सबको और मुझे भी सुनाओ। बहुत ही बेसुरी। तो भाभी मुझे गाना सिलेक्ट करके देगी कि मुझे कौन सा गाना गाना है? तो मुझे सिलेक्ट करना है तो मैं खुशबू को बताती हूँ, एक विलन का बंजारा सॉन्ग ये वाला गाना सुनाओ गा के। ठीक है। खुशबू को गाए हंसी आ रही है बहुत तेज, क्योंकि अभी तक ऐसे खुशबू ने गाना नहीं गाया किसी के सामने, तो फर्स्ट टाइम आप लोगों को भी सुनाएगी खुशबू और मुझे भी सुना रही है, तो इसीलिए शर्मा रही है ज्यादा।
मैं आग बंद करके सुनाऊंगी, नहीं तो मैं सुना नहीं पाऊंगी। ठीक है ठीक है। जिंदगी ढूंढ क्या ये मकाम मेरा मैं हंसूंगी ना गाइस तो बिल्कुल गा नहीं पाएगी, इसीलिए मैं हंस नहीं रही हूँ, कंट्रोल कर रही हूँ अंदर ही। जैसे बात नए से मिले हैं, जाने क्या असर ये हुआ है, एक आस मिली फिर मुझको जो कबूल किसी ने किया है। किसी शायर सामने गाइस सामने बुक रख दिया है, बुक को पढ़ के फिर बोलना होता है ना। बुक नहीं लगता, बुक ने मुझे इसके लिरिक्स ने बताया, इसलिए मैंने ये रख दिया है। अच्छा तो गाना सुन के खुद मैंने गाना गाया, इतनी अच्छी सिंगर, मैं तो सिंगर ही तो नहीं हूँ। हमें गाना सुन के मजा नहीं आया, हमें चाहिए एक डांस, तो तुम बहुत डांस अच्छी करती हो, एक डांस करके दिखाओ। गजब बेइज्जती है मेरी भाई, कोई एंटरटेन नहीं है गाइस, एकदम जैसे कोई अगर गाना सुनेंगे ना एकदम सो पड़ेंगे। सो तो नहीं पड़ेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे कि ये कैसा गाना गा रही है, कितनी बेसुरी, हंसेंगे, सोएंगे नहीं ना गाइस, कमेंट करके बताना सोएंगे कि नहीं सोएंगे। हाँ ठीक है ठीक, बताना जरूर गाइस। हाँ और मेरा गाना कैसा लगा ये भी बताना, और मुझे अगर दूसरे पनिशमेंट की जरूरत है तो ये भी कमेंट करके बताना। अगर आप में से कोई भी कमेंट करता है कि मुझे दूसरे पनिशमेंट की जरूरत है, तब मैं दूसरा पनिशमेंट करूंगी। ठीक है, और वो भी आप लोग बताना कि मुझे कौन सा पनिशमेंट देगी भाभी। ठीक है, तो गाइस आज की वीडियो में यहीं पे एंड करती हूँ। तो आज की वीडियो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और शेयर भी ज़रूर करना, और न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय।